हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। दोस्तों आज हमारे सामने खड़ी है मारुति एस्प्रेसो और ये इसका VXI प्लस वेरिएंट है जिसकी प्राइस पड़ने वाली है 6.20 लाख ऑन रोड। टोटल तीन वेरिएंट्स में ये कार आपको ऑफर करी जाती है, स्टैंडर्ड, LXI और VXI। इसमें आपको ऑटोमेटिक का ऑप्शन भी देखने को मिलेगा, साथ ही साथ आप CNG पे भी जा सकते हैं और टोटल 6 कलर ऑप्शंस आपको दिए जाते हैं दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम इसी VXI प्लस वेरिएंट का वॉक अराउंड करेंगे और देखेंगे कि 6.20 लाख आप खर्च करते हैं तो ये कार आपको क्या क्या फीचर्स ऑफर करती है। गाइस बात कर लेते हैं इसके फ्रंट प्रोफाइल की, तो आप देख सकते हैं मैट ब्लैक फिनिश में आपको ग्रिल देखने को मिलेगी, साथ में सुजुकी का लोगो आपको ऑफर किया जाता है। जो नीचे की ग्रिल है ना, रेडिएटर ग्रिल काफ़ी बड़ी है मैट ब्लैक फिनिश में और वो भी आधी बंद है। अब पता नहीं क्यों बंद कर रखी है। ये आपको टो हुक की पोजीशन देखने को मिल जाएगी, यहाँ आप नंबर प्लेट लगा पाएंगे। ये रही आपकी अंडरबॉडी, और ग्राउंड क्लियरेंस की बात करी जाए तो 180mm का ग्राउंड क्लियरेंस ये कार आपको ऑफर करती है। गाइस बोनट में सेंटर में वॉशर फ्लूड की पोजीशन देखने को मिल जाएगी। ये रहे आपके फ्रंट वाइपर्स, एंटीना आप देख सकते हैं आपको नॉर्मल तार वाला ऑफर किया जाता है। ये तो हो गई आपकी कंप्लीट फ्रंट प्रोफाइल। बात करें लाइट सेटअप की, तो आपको रिफ्लेक्टर बेस्ड हैलोजन लाइट का सेटअप यहाँ देखने को मिलेगा, कोई भी फॉग लैंप ऑफर नहीं किया जाता है और फ्रंट में कोई भी पार्किंग सेंसर्स आपको देखने को नहीं मिलने वाले हैं। ये टॉप वेरिएंट है, उसमें भी आपको पार्किंग सेंसर्स नहीं ऑफर किए जाते हैं। ये रही आपकी कंप्लीट साइड प्रोफाइल, आप देख सकते हैं काफ़ी छोटी गाड़ी है ये, 3565mm की इसकी कंप्लीट लेंथ है। व्हील बेस 2380mm का है। टायर्स की बात करी जाए तो आपके यहाँ पे बॉडी कलर में व्हील आर्चेस देखने को मिल जाएंगे, MRF के टायर्स ऑफर किए जाते हैं, सिल्वर कैप्स हैं, आपको फ्रंट में डिस्क, रियर में ड्रम ब्रेक्स ऑफर किए जाता है, स्टील रिम्स आपको देखने को मिलेंगे। और टायर साइज की बात करें तो 165/70R14 ट्यूबलेस रेडियल टायर्स ऑफर किए जाते हैं। ये रहा आपका फ्रंट सस्पेंशन, साइड फेंडर पे इंडिकेटर दे दिया गया है, बॉडी कलर में ORVMs आपको देखने को मिल जाएंगे। बाकी साइड क्लैडिंग देख लीजिए, साइड बॉडी में आपको कोई भी क्लैडिंग क्रोम का यूज़ कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। रूफ लाइन में और विंडो लाइन में भी आपको कोई भी क्रोम का यूज़ देखने को नहीं मिलेगा। नॉर्मल डोर हैंडल्स देखने को मिलेंगे, बॉडी कलर में है, चाबी लगा के आप इसको ऑपरेट कर पाएंगे। चलिए बात करते हैं इसके रियर प्रोफाइल की, तो कुछ इस तरह की रियर प्रोफाइल आपको ये कार ऑफर करती है दोस्तों। काफ़ी क्यूट सी लगती है, बीच में सुजुकी का लोगो है, नीचे चाबी देख सकते हैं, चाबी की प्लेसमेंट है, वाइपर भी नहीं है, डिफॉगर भी नहीं है, हाई स्टॉप माउंट लैंप है, एंटीना तार वाला है, कोई रूफ रेल आपको ऑफर नहीं करी जाती है। नीचे देखेंगे तो दो रिवर्स पार्किंग सेंसर देखने को मिल जाएंगे और बहुत बड़ी स्किड प्लेट। ये रही आपकी अंडरबॉडी, ये रही साइलेंसर की प्लेसमेंट, यहाँ पे नंबर प्लेट लगा पाएंगे, आपको दो बल्ब दिए हैं भैया नंबर प्लेट इल्यूमिनेट करने के लिए। टेल लाइट सेटअप की बात करी जाए तो आपको सी शेप में टेल लाइट हैलोजन बेस देखने को मिलेंगी, यहाँ नीचे आपको रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाएगा। बात कर लेते हैं इसके बूट स्पेस की, तो 270 लीटर का बूट स्पेस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसका CNG वेरिएंट लेंगे तो उसमें बूट स्पेस और कम हो जाएगा। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको अच्छा खासा हम्प देखने को मिलता है, जिससे सामान रखना और निकालना थोड़ा सा तकलीफ दे होगा, और बाकी अंदर कोई भी आपको ना लैंप देखने को नहीं मिलता है। ये रहे आपकी पार्सल ट्रे, और पीछे से देखेंगे तो कुछ इस तरह से आपको डैशबोर्ड देखने को मिलने वाला है दोस्तों। बात कर लेते हैं इसके स्पेयर टायर की, तो स्पेयर टायर आपको सेम साइज का देखने को मिलेगा, जो कि है आपका 165/70R14 स्टील व्हील्स ऑफर किए जाते हैं। चलिए फिलहाल इसको बंद कर लेते हैं और चलते हैं अंदर, अंदर चल के देखते हैं क्या क्या फीचर्स हमको देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो ऑब्वियसली आप दरवाज़ा देख सकते हैं, यहाँ पे आपको कोई भी रिक्वेस्ट और ऑफर नहीं किया जाता है, ठीक है। अब ये देख लीजिए आपका कुछ इस तरह से रहा दरवाज़ा, आपको प्योर ब्लैक में ये दरवाज़ा देखने को मिलेगा। काफ़ी हार्ड पोर्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, कोई भी सॉफ्ट पोर्शन यहाँ तो ऑफर नहीं किया है, सब कुछ ब्लैक में आपको देखने को मिलेगा। ये रहा बॉटल होल्डर, थोड़ा सा स्पेस, स्पीकर की प्लेसमेंट, टोटल आपको यहाँ दो स्पीकर देखने को मिल जाएंगे दोस्तों। सीट्स की बात करें तो ये सीट्स आपको मैनुअल एडजस्टमेंट के साथ आती हैं, और वो भी केवल आपका टिल्ट एडजस्टमेंट है, ये आपका हाइट एडजस्टमेंट देखने को नहीं मिलने वाला है। ये रहे आपका एक्सेलेटर, ब्रेक और क्लच, साथ ही साथ डेड पेडल बिल्कुल नहीं दिया है, हेडलाइट लेवलर, थोड़ा सा स्पेस। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप इंजन आइडल स्टार्ट स्टॉप स्विच देखने को मिलेगा, प्लस आपके ये ORVM के कंट्रोल्स हैं, AC के वेंट्स हैं। बात कर लीजिए डैशबोर्ड की, तो देख सकते हैं आपको ये जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है एकदम बीच में ऑफर किया गया है, एकदम अलग सा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको इसमें देखने को मिलेगा, ऑरेंज ऑरेंज कलर का है, प्लस आपका ये एकदम राउंड शेप में है जो काफ़ी बढ़िया लग रहा है, लेकिन बीच में क्यों दिया है पता नहीं। बाकी AC के वेंट्स उसके किनारे किनारे आप देख पाएंगे। इंफोटेनमेंट स्क्रीन की बात करी जाए तो आपको यहाँ पे 7 इंचेस की टच इंफोटेनमेंट स्क्रीन देखने को मिलेगी विद एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पर कारप्ले सपोर्ट। इसमें बाकी आप देख सकते हो FM सब कुछ चला सकते हो, 2D इंटीग्रेटेड ऑडियो भी है, रिवर्स कैमरा यहाँ नहीं है। यहाँ पे आप देखो आपको ना फ्रंट में पावर विंडो के कंट्रोल्स एकदम अटपटी पोजीशन पे देखने को मिलेंगे, यहाँ दिए गए हैं। ये देखो फ्रंट के दोनों पावर विंडो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे,
हजार्ड की लाइट, नीचे आपको एसी दिया है, एकदम मैनुअल एसी आपको ऑफर किया जाता है। एयर सर्कुलेशन चेंज करना हो तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। काफ़ी अचपटी चीज़ें इसमें करी गई हैं। 12 वोल्ट का एक सॉकेट है, एक यूएसबी पोर्ट है यहाँ पे आप देख सकते हैं, और ऑक्स पोर्ट भी वहीं पे देखने को मिल जाएगा। नीचे यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस, फ़ोन तो नहीं रख पाएंगे यहाँ पे। कप होल्डर भी काफ़ी छोटा है। 5 स्पीड मैनुअल गेयरबॉक्स है, मैनुअल हैंड ब्रेक्स आपको देखने को मिल जाएंगे। कोई भी आर्म रेस्ट यहाँ पे ऑफर नहीं किया जाता है। सीट्स की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको फैब्रिक अपोस्ट्री में सीट्स देखने को मिल जाएंगी, लेकिन फैब्रिक अपोस्ट्री होते हुए भी काफ़ी कंफर्टेबल सीट्स आपको देखने को मिलती हैं दोस्तों। कलर कॉम्बिनेशन काफ़ी बढ़िया लग रहा है। ये रहा आपका ग्लव बॉक्स, काफ़ी छोटा सा ग्लव बॉक्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। स्टेयरिंग की बात करी जाए तो आपको राउंड शेप में स्टेयरिंग मिलेगा, काफ़ी बढ़िया साइज, कार के हिसाब से काफ़ी बड़ा है। ये मल्टीमीडिया के कंट्रोल्स हैं। ये रहे आपके फ़ोन के कंट्रोल्स, इधर आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। हेडलाइट्स के कंट्रोल जो कि ऑटोमेटिक नहीं है, वहीं आप दूसरी तरफ वाइपर के कंट्रोल्स देख पाएंगे। ड्राइवर सीट में आपको कोई भी वैनिटी मिरर देखने को नहीं मिलेगा, नॉर्मल से IRVMs। केबिन लैंप आपको हेलोजन में देखने को मिलेगा। को पैसेंजर साइड में भी आपको वैनिटी मिरर ऑफर नहीं किया जाता है दोस्तों। एक बार डैशबोर्ड को देख लीजिए कंप्लीट, काफ़ी बढ़िया क्यूट सा डैशबोर्ड लगता है। कलर कॉम्बिनेशन ये ऑरेंज वाला जचता है इस पर। स्टेयरिंग कॉलम की बात कर ली जाए तो यहाँ पे स्टेयरिंग कॉलम आपको ना तो टिल्ट मिलने वाला है ना ही टेलीस्कोपिक मिलने वाला है। चलिए चला जाए सेकंड रो में। सेकंड रो की बात करें तो दरवाज़ा एकदम आपको सेम बेसिक सा दरवाज़ा यहाँ पे देखने को मिलेगा। डिफरेंस की बात करी जाए तो यहाँ पे केवल ना आपको देखो स्पीकर की प्लेसमेंट वगैरह कुछ नहीं है। ये रहे आपके मैनुअल विंडो के कंट्रोल्स, पीछे मैनुअल विंडो आपको देखने को मिलेंगी। और ये रहा कंप्लीट इंटीरियर। अब बैठ जाते हैं सीट में। देखिए सीटिंग कंफर्ट की बात करी जाए तो थाई रूम बिल्कुल भी नहीं है, लेग रूम ठीक ठाक है, नी रूम भी ठीक ठाक है, ठीक है ठीक ठाक मिल जाएगा, लेकिन थाई रूम एकदम ख़त्म है। एसी का कोई भी वेंट पीछे ऑफर नहीं किया जाता है, थोड़ा सा हम्प आपको देखने को मिलेगा। ये रहा आपका डैशबोर्ड, सेकंड रो से कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आपको ऑफर किया जाता है दोस्तों। केबिन लैंप आपका सेकंड रो के लिए कोई भी नहीं दी गई है। ग्रैब हैंडल्स आपको ज़रूर देखने को मिल जाएंगे। सीट्स की बात करें तो आपको केवल 2 हेडरेस्ट, वो भी एडजस्टेबल नहीं है। कप होल्डर आपको देखने को नहीं मिलेगा। सीट बेल्ट, लेकिन अच्छी बात है कि सीट बेल्ट आपको तीनों पैसेंजर्स के लिए ऑफर करी जाती हैं। आपकी जो सीट है 60-40 स्प्लिट में नहीं है, बेंच सीट्स हैं। बाकी ये सारे रहे आपके फर्स्ट एड किट वगैरह, पार्सल ट्रे आपको देखने को मिल जाता है दोस्तों। ये तो रहा आपका कंप्लीट इंटीरियर्स। बात कर लेते हैं इसके इंजन बे की। छोटू सी गाड़ी है, छोटू सा ही आपको इसमें इंजन देखने को मिलेगा दोस्तों। इसमें आपको मिलेगा 1 लीटर का K10 सीरीज 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन जो 65 bhp की पावर देगा और 85 न्यूटन मीटर का टॉर्क देगा। लेआउट की बात करें, कंप्लीट लेआउट काफ़ी बढ़िया आपको देखने को मिलेगा, लेकिन माइलेज की बात करें तो आपको भैया 25 का माइलेज मिलता है। कोई भी इंसुलेशन वगैरह नहीं है, ऑब्वियसली सस्ती गाड़ी है तो कॉस्ट कटिंग तो होनी ही है। तो दोस्तों ये रही आपकी मारुति एस्प्रेसो VXI प्लस 6.20 लाख ऑन रोड, वाइट में काफ़ी बढ़िया लग रही है। अब आप बताइएगा कि ये कार प्राइस जस्टिफाइड है कि नहीं। अगर आपके कार के बारे में कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट्स में जरूर पूछेगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।